नमस्कार। आप सभी का अगेंस्ट करप्शन के इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आरटीआई लगाने में 10 रुपये शुल्क तो देना ही होता है, इसके अलावे भी अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह कब देना होता है और कैसे जमा कर सकते हैं, उसका क्या रेट है? तो चलिए, जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे हर तरह के इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को शीघ्र मिलता रहे तथा उपयोगी लगे, तो एक दूसरे को शेयर अवश्य करेंगे। तो मैंने बिहार मानवाधिकार आयोग में एक आरटीआई लगाया था कुछ ही दिन पहले, और उसके संबंध में ही मुझे अतिरिक्त शुल्क जमा करने का एक सूचना प्राप्त हुआ है। आप लोग देख लें कि यह बिहार मानवाधिकार आयोग पटना का मामला है और यह मुझे आज ही प्राप्त हुआ है, और इसमें बताया गया है कि मैंने जो सूचना मांगी थी उसमें अतिरिक्त शुल्क 18 रुपये आपको जमा करनी होंगे, क्योंकि उसमें 9 पेज का सूचना है और 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क जमा करने का मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है। तो आप लोग भी आप ध्यान रखेंगे, 10 रुपये तो सूचना प्राप्त करने हेतु तो शुल्क लगेगा ही, लेकिन कभी कभी अतिरिक्त पेज होने के कारण आपको 2 रुपये प्रति पेज के दर से आपको अलग से भी शुल्क जमा करना पड़ता है। तो आप लोग देखें, इसमें मुझे बताया गया है उपर्युक्त विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा मांगी गई वांछित सूचना से संबंधित वार्ड संख्या इतना में कुल रक्षित पृष्ठों पत्राचार भाग एवं टिप्पणी भाग पर की संख्या 9 है, कहने का मतलब 9 पेज है, तो नियमानुसार वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु 2 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से कुल 18 रुपये शुल्क के रूप में जमा करना अपेक्षित है। अतः अनुरोध है कि उक्त वांछित सूचना कार्यालय में जमा कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यह लोक सूचना पदाधिकारी मानवाधिकार आयोग पटना का हस्ताक्षर और डेट भी है, और यह पत्र भी है, आप लोग देखिए। ये मानवाधिकार आयोग बेली रोड पटना से मुझे आज ही प्राप्त हुआ था, तो मैंने इस संबंध में ही आप लोगों को भी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि आप लोगों को भी अतिरिक्त शुल्क देना पड़े तो आप लोग कैसे जमा करेंगे। तो अतिरिक्त शुल्क भी हम लोग पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से दे सकते हैं, या नॉन जुडिशियल स्टाम्प से भी दे सकते हैं, या कार्यालय में नगद भी जाके जमा करा सकते हैं, या बैंक ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 2 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से अतिरिक्त शुल्क भी जमा करना पड़ता है। जब पेज अधिक हो तो मुझे 9 पेज का सूचना प्राप्त कराया जाएगा, जिसके संबंध में मुझे 18 रुपये का शुल्क जमा करने के लिए यह नोटिस प्राप्त हुआ है। आप लोग भी इस तरह की सूचना अगर मांगना चाहते हैं और अतिरिक्त शुल्क जमा करने का आदेश प्राप्त होता है तो आप लोग भी अतिरिक्त शुल्क जमा करके सूचना ले सकते हैं। जय हिंद।